Please subscribe my channel. Like and share my video. बच्चों आज हम लोग पांच हिंदी कहानियां सुनेंगे। हर कहानी से हम लोग कुछ सिख की बातें सीखेंगे और उस सिख को सीख कर हम लोग अपने जीवन में उसे अमल करेंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानियां। गाय और बाघ की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गाय और उसका बछड़ा रहता था। वह चरने के लिए जंगल में जाती थी। और शाम को जब वह अपने घर में लौटती थी तो उसका बछड़ा उसका दूध पीता था। गाय अपने बछड़े से बहुत प्यार करती थी। एक दिन गाय चरते चरते घने जंगल में चली गई। तभी जंगल के रास्ते में एक बाघ ने उसे पकड़ लिया। बाघ अपने भोजन के लिए गाय को मारना चाहता था। गाय ने बाघ से अनुरोध किया, मेरे घर पर एक बछड़ा है और वह बहुत भूखा है। यदि तुम मुझे अभी मार डालोगे तो मेरा बछड़ा भूख से मर जाएगा। इसलिए उसने बाघ से अनुरोध किया कि वह उसे थोड़ी देर के लिए माफ कर दे, ताकि वह जाकर अपने बछड़े को दूध पिला सके। बाघ ने गाय की विनती नहीं सुनी और कहा, यह असंभव है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम दोबारा वापस नहीं आओगी। गाय ने बाघ से कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आऊंगी। बाघ ने गाय का आग्रहपूर्ण अनुरोध सुना और अंत में कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें शीघ्र लौटना होगा। वहां से गाय अपने गांव की तरफ चल पड़ी। गाय तुरंत अपने गांव में लौट आई और अपने बछड़े को दूध पिलाई। अपने बछड़े को दूध पिलाकर वो फिर से जंगल की ओर चल पड़ी। जल्द ही वह जंगल में पहुंची और बाघ को बुलाने लगी। बाघ ने आकर गाय को देखा और उसे देखकर बाघ आश्चर्यचकित रह गया। बाघ को ऐसी ईमानदार जानवर से कभी सामना नहीं हुआ। वह गाय की ईमानदारी से प्रसन्न हो गया और बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि भविष्य में अन्य जंगली जानवरों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके पास जो चरित्र है वह अन्य जानवरों को प्रोत्साहित और प्रभावित करे। यह कहकर बाघ वापस अपनी माद में चला गया। गाय सूर्योदय से पहले अपने बछड़े के पास लौट आई और वे खुशी से रहने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी। बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि एक माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, और चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चे और ईमानदार बनकर हम किसी भी क्रूर व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए। बंदर और खरगोश की दोस्ती। एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? आज हम लोग आंख मिचोली खेलते हैं। ठीक है, खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों ये खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर ने लोमड़ी से पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया है, क्यों सब भाग रहे हैं? एक शिकारी जंगल में आया है, इसलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो वरना वह तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डरकर भागने लगे। मित्र खरगोश, सुबह से हम भाग रहे हैं, अब शाम हो चुकी है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं थक गया हूँ। हाँ, थकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आराम करेंगे। प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो पानी ढूंढते हैं। दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला। उसमें बहुत कम पानी था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ
कि अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है। तुमने उछल कूद बहुत की है, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्यास लगी होगी। मित्र, मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम पानी पी लो, मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है। दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे। पास से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। नहीं नहीं भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है, मुझे प्यास नहीं लगी है। इसको प्यास लगी है लेकिन यह मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, हर किसी के लिए यह एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो? इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा, उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। कहानी से सीख। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती, वे एक दूसरे के भलाई के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का सच्चा दोस्त बनकर रहना चाहिए। जैसा को तैसा। एक दिन की बात है, एक लोमड़ी और सारस दोस्त थे। लोमड़ी बहुत चालाक थी और जंगल के दूसरे जानवरों के साथ चालाकी करती थी। उसने सारस के साथ भी एक दिन चालाकी करने की सोची। वो सारस को बोली कि आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें मेरे घर दावत पर आना होगा। मैं आज चिकन सूप बनाऊंगी। शाम को सारस लोमड़ी के घर दावत पर पहुंच गई। लोमड़ी ने चालाकी से एक प्लेट में दोनों को चिकन सूप परोसा। लोमड़ी ने बड़े मजे से प्लेट से चिकन सूप खा लिया, लेकिन सारस अपनी चोंच की वजह से कुछ भी नहीं खा पाई। सारस को समझ आ गया कि लोमड़ी ने उसको बेवकूफ बनाया है। इसके बाद सारस बिना कुछ खाए ही वहां से चली गई। कुछ दिनों के बाद सारस लोमड़ी के पास आई और बोली, आज मेरा जन्मदिन है, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, तुम मेरे घर आना। यह सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई क्योंकि वह बहुत भूखी थी। उसने सोचा, यह कितनी बेवकूफ है, मैंने इसके साथ ऐसा किया लेकिन फिर भी यह मुझको खाने पर बुला रही है। शाम को लोमड़ी सारस के घर पहुंची। सारस ने दो सुराही में सूप परोसा। सारस अपनी लंबी चोंच की वजह से आसानी से सारा खाना खा गई, लेकिन लोमड़ी का मुंह पतली सुराही में जा ही नहीं रहा था। अब लोमड़ी को समझ आ गया कि उसने जिस तरह सारस को चालाकी दिखाई, सारस ने भी अपनी चतुराई से लोमड़ी को सबक सिखा दिया। इसके बाद लोमड़ी को बिना कुछ खाए ही लौटना पड़ा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए और किसी के साथ ज्यादा चालाकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के साथ ज्यादा चालाकी करने पर हमें भी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दो कवे की कहानी। एक बार की बात है, दो कवे थे जिनका नाम था गोलू और भोलू। गोलू थोड़ा कपटी था पर भोलू बहुत सीधा था। उन दोनों में इस बात को लेकर बहस हो गई कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। गोलू ने कहा, मैं तुमसे ताकतवर हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। भोलू बोला, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। उन्होंने आपस में एक प्रतियोगिता रखी कि एक भरा हुआ थैला लेकर जो ऊपर उड़ेगा वह श्रेष्ठ होगा। गोलू कपटी था
उसने अपने थैले को रुई से भर लिया, जबकि भोलू ने अपने थैले को नमक डालकर भर लिया। अपने अपने थैले लेकर दोनों उड़ने लगे। गोलू अपना हल्का थैला लेकर ऊपर उड़ने लगा, जबकि भोलू अपने नमक से भरे थैले से नीचे ही उड़ रहा था, लेकिन वह फिर भी ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था। तभी जोर की बारिश होने लगी, जिससे रुई भारी हो गई और नमक हल्की। अब भोलू गोलू से ऊपर उड़ रहा था, जिससे वह प्रतियोगिता जीत गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। एक दिन की बात है, एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। वहाँ आम, सेब, नीम, शीशम आदि के पेड़ थे। सब पेड़ों के बीच एक पेड़ का तना बहुत मुड़ा हुआ था, जो देखने में बहुत ही बदसूरत लगता था। सब पेड़ उसको देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। वह पेड़ बहुत निराश होता और भगवान से कहता, आपने मुझे क्यों इतना बदसूरत बनाया? मैं बाकी पेड़ों की तरह क्यों नहीं हूँ? एक दिन उस जंगल में एक लकड़हारा आया। उसने उस बदसूरत पेड़ को देखा और कहा कि इसका तना कितना मुड़ा है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर उसने उसके साथ के बाकी सभी पैरों को काटने लगा। काटते काटते वो लकड़हारा वहां के सारे पैरों को काट दिया और लेकर चला गया। इसके बाद उस पेड़ ने कहा, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, आज मेरी बदसूरती ने मेरी जान बचाई है। Moral of the story. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी परेशानियों के लिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता है।